यस गाइस, वी आर फाइनली बैक विथ अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक। और इस वीडियो में हम लोग ब्लू लॉक के चैप्टर 280 के स्पॉइलर के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्पॉइलर के ऊपर बात करने से पहले मैं आप सभी को ये चीज बताना चाहता हूँ कि हमें स्पॉइलर के अंदर एक ट्विस्ट देखने को मिला है, और वो क्या है कि हमें हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसागी का करियर खत्म होते हुए देखने को मिल सकता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। और हमें ईगो की तरफ से इसागी के लिए एक अच्छी सी चीज रिवील होते हुए देखने को मिलती है। तो क्या है वो चीज, आइए जानते हैं। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। तो हमें 280 के स्पॉयलर्स में देखने को मिलता है कि जो काइजर के द्वारा फ्री किक ली गई थी वो लोकी के द्वारा रोक दी गई थी, और वहीं वो बॉल डिफेंड होके पीएक्सजी के प्लेयर के पास ही आ जाती है, जिसमें से जो बॉल रिसीव करता है वो नाना से रहता है, और फिर वही नाना से बॉल को जानतेचु को पास कर देता है, और जानतेचु उस बॉल को रिसीव करने के बाद सीधे अपोजिट गोल की तरफ दौड़ने लगता है। एंड वो लोग काफी ज्यादा तेजी से हमें दौड़ते हुए देखने को मिल रहे थे। एंड उसमें जो एक्शन में थे वो थे नाना से, जानतेचु, कारासु और नेस और राइची, और साथ ही साथ में क्योरा भी उस पूरे काउंटर अटैक में इन्वॉल्व थे। यानी कि डिफेंस प्लस अटैक दोनों तरफ से काफी ज्यादा भारी हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन इन सबके बीच में इनमें से सबसे ज्यादा जो शौक था वो था काइजर, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि लोकी के अलावा जानतेचु भी इतना तेज दौड़ सकता है। जैसे जैसे बास्टर्ड म्यूनिच के प्लेयर पीएक्सजी के प्लेयर्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इसागी पूरा ब्लैकआउट हो चुका था, और वो खुद के ऊपर क्वेश्चन कर रहा था कि आखिरकार जीनियस होते कौन है। पर अभी तक उसको ये लगता था कि जीनियस एक ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो काफी ज्यादा अमेजिंग और टैलेंटेड रहते हैं, जैसे कि जूलियन लोकी। लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि जूलियन लोकी इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि हम उसको जीनियस में नहीं रख सकते। तो इसके बाद से अब इसागी हमें ये ढूंढते हुए देखने को मिलता है कि आखिरकार जीनियस का असली मतलब है क्या। सो इसागी आगे ये भी सोचता है कि अगर सामने वाला बंदा काफी ज्यादा अच्छा खेलता हो आपके अगेंस्ट और आप उस चीज को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, तो क्या वो जीनियस होता है। तो वो इस चीज में रिन एंड नोआ को भी पुट करता है। तभी इसागी आगे जाके नोआ के पास खड़ा हो जाता है एंड वो पूछता है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो नोआ उसको सिंपली ये बोलता है कि मैं अपने अपोनेंट्स के बारे में सोचता हूँ जो मेरे को सच में हराना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में इतना कभी सोच ही नहीं पाता। तो यानी कि उसको उम्मीद ही नहीं है इसागी से कि वो उसको कभी हरा पाएगा, इसलिए उसने उसको अपनी लिस्ट में सबसे नीचे रखा हुआ है। और इसी वजह से नोआ के पास कोई सी भी टिप नहीं है इसागी को देने के लिए, तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तो अब इसागी को सारी की सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी एंड समझना पड़ेगा जीनियस का कॉन्सेप्ट, ताकि से वो आगे जीत पाए। लेकिन इससे इसागी को एक मदद मिली, उसको ये समझ में आ गया कि जीनियसेस जो हैं वो एक्चुअली में लॉजिकल थिंग नहीं होती, वो एक नेचुरल थिंग होती है। क्योंकि आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे कि एक बंदा इतना ज्यादा नेचुरल टैलेंटेड है कि उसको उसमें हार्ड वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, और तभी इसागी खुद को एज अ जीनियस नहीं एज अ प्रोडिजी एक्सेप्ट करने लगता है। यानी कि उसने मेहनत करी है, हर एक स्टेप में उसको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी एंड काफी ज्यादा हार्ड वर्क देना पड़ा, तभी जाके वो इतना ऊपर आ पाया। और वहीं जो रिन, नोआ, काइजर, लोकी जैसे प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी बॉर्न टैलेंटेड है, तो इसी वजह से वो लोग जीनियसेस हैं और मैं एक प्रोडिजी। और तभी हमें कैमरा स्विच होते हुए देखने को मिलता है, जिधर हम देखते हैं कि पीएक्सजी का जो अटैक है वो 40 के द्वारा दिया जा रहा है, एंड तभी वो एक लॉन्ग पास करता है सीडो को, लेकिन सीडो के ऊपर काइजर का डिफेंस आ जाता है जिसके चलते हुए सीडो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन हमें फिर से पता लगता है कि 40 का जो पास था वो कभी सीडो के लिए था ही नहीं, वो था इतोसी रिन के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे 40 अब कुछ अलग ही लेवल पे खेल रहा है। और जैसे ही रिन वो बॉल को रिसीव करता है एंड वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है, हमें उस पे एक और चार्ज देखने को मिलता है, एंड वो रहता है इगरासी, जो कि उसने अपने पिछले टैकल में मलेशिया को यूज करके रिन को स्टॉप कर दिया था एंड बास्टर म्यूनिच को फ्री किक दिला दी थी। तो उसने बिल्कुल वही चीज दोबारा कॉपी पेस्ट किया, जिसके चलते हुए रिन से फाउल हुआ इगरासी के ऊपर एंड दोबारा बास्टर म्यूनिच को बॉल मिल गई, और अब बॉल की जो पोजीशन है वो हमें बास्टर म्यूनिच के पास देखने को मिल रही है। और इसी फाउल के साथ हमें दोबारा इसागी दिखाया जाता है, जिधर वो ये एक्सेप्ट कर चुका है कि वो कभी भी जीनेसिस को हरा नहीं सकता फ्यूचर में, और उसका जो वेपन है वो अब मैक्स्ड आउट
हो चुका है, यानी कि एज अ प्रोडिजी उसका पाथ जो है वो वहीं तक ही था, एंड अब उसके सामने एक बड़ी सी दीवार आके खड़ी हो गई है। या तो वो उस दीवार को तोड़ के आगे चले जाए या फिर उसका करियर वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। और यही डिट्टो सेम चीज हमें ईगो की तरफ से देखने को मिलती है, जिधर वो ये बताता है कि इसागी अब अपने एक ऐसे स्टेज पे आ चुका है जिसमें उसको आर्या पार करना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसागी को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा एंड वो ब्लू लॉक से बाहर हो जाएगा एंड वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाएगा। तो जिसमें आगे वो ये भी बताता है कि अब जो इसागी ने प्रोडिजी वॉल को हिट किया है वहाँ पे वो अब आगे रुक चुका है, ये उसके करियर का सबसे बड़ा रुकावट भी बन सकता है। हाउएवर वो एक और बात बोलता है कि अब उसके लिए नए रास्ते भी खुल सकते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग जाके उस वॉल को हिट करते हैं उन्हीं के लिए नए दरवाजे खुलते हैं, तो हो सकता है हमें इसागी का भी अब एक नया फॉर्म देखने को मिल सकता है हमें नेक्स्ट चैप्टर में। और इसी के साथ हमारे स्पॉइलर हो जाते हैं यहाँ पे खत्म। तो यस गाइस, यहाँ पे अब इसागी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है उस वॉल को तोड़ने के अलावा, क्योंकि अगर वो उस वॉल को नहीं तोड़ेगा तो उसका करियर वहीं पर ही खत्म हो जाएगा एंड वो ब्लू लॉक से बाहर चला जाएगा। तो अब इसागी के पास एक बहुत अच्छा टाइम है कि वो एज अ प्रोडिजी को छोड़ के एज अ जीनियस के रास्ते पे एंटर कर जाए, और ऐसा करने के लिए उसको उस दीवार को कॉन्करर करना पड़ेगा। सो गाइस, यही थी सारी डिटेल्स स्पॉयलर्स के बारे में। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।